नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। मेरा ये वीडियो है टारगेटिंग गुजरात समाचार। गुजरात समाचार ने आज एक न्यूज छापी है। जी हाँ, वो गुजरात समाचार जो गुजरात का लीडिंग गुजराती पेपर है, ये न्यूज छापी है कि कैसे अंधेरी कोर्ट ने पायल रोहतगी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, गुजरात समाचार, शायद आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, कि ये जो अंधेरी कोर्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो अंधेरी कोर्ट है मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, और इस मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऊपर है दिनदोषी सेशंस कोर्ट। दिनदोषी सेशंस कोर्ट ने मेरे खिलाफ जो FIR दर्ज करी गई थी उसको डिसमिस कर दिया है, saying that those allegations are baseless, कि मैं communal hatred फैलाती हूँ या मैं कोई एक कौम के खिलाफ हूँ। I am just expressing my opinion which I have a right as per the constitution of India. It is one of my fundamental rights. ठीक है, अगर आपके पास दिनदोषी सेशंस कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं है तो वो वर्डिक्ट मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टीम इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर कर दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूं कि कल आप हेडलाइन छापे कि दिनदोषी सेशंस कोर्ट हैज डिसमिस्ड ऑल द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट पायल रोहतगी इन एन FIR बाय फाइंडिंग देम बेसलेस। ठीक है, अगर आप कल ये करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको भी टारगेट करने लगूंगी, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद जानबूझ के आप मेरे पीछे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं अगर आप ये इंफॉर्मेशन कल नहीं छापते, बिकॉज आई एम शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन नाउ विद यू। आई एम गिविंग यू बेनिफिट ऑफ डाउट कि आज शायद आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी एंड पार्शियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपने ये हेडलाइन छापी, बट नाउ दैट आई एम शेयरिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद यू, प्लीज रेक्टिफाई योर मिस्टेक दैट यू हैव डन टुडे। ठीक है, अब आगे आपके साथ ये बात करनी है कि मैं है ना आजकल बहुत इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ ऑन इलीगल कंस्ट्रक्शंस, इलीगल सर्विस सोसाइटीज दैट आर बीइंग फॉर्म्ड, क्योंकि जो सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी है वो एग्जिस्ट करती है, साथ साथ में महालक्ष्मी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वो भी एग्जिस्ट करती है। दोनों कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये मेरा सवाल है। तो अगर आपको मेरे इन सब सवालों के ऊपर इंटरव्यू करनी है, देन आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू टॉक टू यू। जी हाँ, बिकॉज जो हमारी बिल्डिंग है उसके ऊपर जो द टॉप मोस्ट माला हैज डन सम इलीगल कंस्ट्रक्शन, तो मुझे उसके ऊपर भी डिस्कशन करना है। आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एक सर्विस सोसाइटी के अंदर, बट क्या सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी एक लीगल सर्विस सोसाइटी है? अगर ऐसा है तो फिर महालक्ष्मी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट कर रही है? तो मुझे है ना बहुत सारे सवाल करने हैं टू द राइट पीपल, बट मे बी मैं सरकार से नहीं हूँ इसलिए मुझे कोई भाव नहीं दे रहा। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे मुझे जानते हैं उस जान पहचान की वजह से, उस कनेक्शन, बिकॉज आपने मेरे खिलाफ ये आज इतना बड़ा आर्टिकल छापा है, तो शायद आप मुझे जानते हैं। तो अगर आप मुझे जानते हैं तो प्लीज कम एंड टेक माय इंटरव्यू ऑन दिस मैटर, बिकॉज आई रियली वांट टू डिस्कस दिस मैटर विद यू, बिकॉज दिस इज कंसर्निंग माय फादर्स हाउस एंड माय फादर इज एन ओल्ड मैन, माय मदर इज एन ओल्ड लेडी, एंड वो लोग ये सब नहीं कर सकते। सो आई नीड टू डू माय ड्यूटी टुवर्ड्स माय पेरेंट्स एंड नीड टू फिगर आउट वेदर द सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी इज अ लीगल सर्विस सोसाइटी और नॉट, और क्या गपला हुआ है, बिकॉज है ना मुझे पता करना है कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, इलीगल डीलिंग्स होते हैं थ्रू कॉन्टैक्ट्स एट यू नो इंपॉर्टेंट प्लेसेस, आप समझ गए ना कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस की मैं बात कर रही हूं, उसको मुझे है ना अनकवर करना है। सो प्लीज हेल्प मी इफ यू वांट एन इंटरव्यू रिगार्डिंग दिस मैटर, आई विल ऑब्वियसली हेल्प यू विद फैक्ट्स। एंड कल है ना दिनदोषी सेशंस कोर्ट का वर्डिक्ट अपने न्यूज़पेपर में छाप देना। ठीक है, अगर कल ऐसा नहीं किया ना, देन आई विल हैव टू गो आफ्टर यू ऑल्सो। ठीक है, ओके, नमस्ते।